इमली चली अपने गांव पगडंडिया, लेकिन उसे रोकने के लिए आदित्य पहुंच गया। उसके पीछे पीछे पूरे घर वाले पहुंच गए, लेकिन इमली है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि उसने जिद पकड़ ली कि पगडंडिया जाएगी तो जाएगी। विदाउट टिकट भी जाने की उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या वो पहुंच पाएगी? क्या आदित्य उसे रोक पाएगा? ये पूरा ड्रामा देखने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा उस बस अड्डे, दिल्ली के बस अड्डे, जहां से पगडंडिया की बस जा रही है। जब वो पास थी तब आदित्य हर वक्त ये चाहता था कि इमली उससे दूर हो जाए। और देखिए अब जब इमली ने ये फैसला लिया है कि वो आदित्य की जिंदगी से एकदम दूर चली जाएगी, तब न जाने क्यों आदित्य को तकलीफ हो रही है। आदित्य नहीं चाहता है कि इमली उसे छोड़कर जाए। अब इमली को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से आदित्य बदल कैसे गया। अब इमली आपको एक बात बता देते हैं, कि पहले की बात अलग थी और आज की बात अलग है। पहले आदित्य आपको पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो आपकी देखरेख करता है, आपके लिए चिंता करता है, आपकी बेबसी को समझता है। फिर ऐसे में वो इतना मतलबी कैसे बन सकता है? अब वो समझ गया है कि मालिनी के साथ साथ इमली भी उसकी जिम्मेदारी है। अब बस में दोनों बहस कर रहे हैं तो आसपास वाले पैसेंजर भी देख रहे हैं कि ये दोनों आखिर लड़ क्यों रहे हैं। अब इन्हें तो जहाँ जाना है वहाँ जाने में देरी हो रही है, ये दोनों उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरी रामायण सुनने के बाद पैसेंजर जागे और कहा कि भाई ये दोनों कौन है, इन्हें उतार दीजिए। अब ये पहले ही ऐसा कह देते तो इतनी रामायण शुरू ही नहीं होती। खैर जनता को तो आदत है तमाशा देखने की, कि तमाशा खत्म पैसा हजम। आगे कुछ ऐसा ही हुआ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।